नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फटाफट इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों अभी हम जो आए हुए हैं यहाँ पर, ये जो जगह है हिसार का बाईपास है और यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं जो आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं। जैसे कि आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे काफ़ी सारा ट्रैफिक है अभी, जैसे कि लॉकडाउन में ढील दी गई है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी एकदम से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पुलिस का नाका लगा हुआ है और पुलिस अधिकारियों से हम बात करेंगे। और ये जो लोग हैं दोस्तों, कोरोना के अंदर इन्होंने योद्धाओं की तरह काम किया है, अपने फ़र्ज को निभाया है और बहुत सारे जो हैं ड्यूटी निभाई है। तो सबसे पहले तो हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे है सब इंस्पेक्टर विजय सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। सबसे पहले सर बधाई देते हैं कि आपने कोरोना की इस महामारी के अंदर अपने जो फर्ज है उसको निभाया और देश के लिए आपने काम किया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, ठीक रहा जी। और बाकी लॉकडाउन खुलने के बाद आदेश है जी, जो चौपहिया वाहन है उनके अंदर दो सवारी पीछे होगी, एक ड्राइवर होगा, मोटरसाइकिल पर एक मोटरसाइकिल दो सवारी होगी। अभी चेकिंग वगैरह में आप थोड़ा वो कर रहे हैं या फिर मतलब अभी एक बार के लिए थोड़ी ढील दी है कि भी सबको वो चेक? नहीं, चेकिंग तो रूटीन की करते रहते हैं जी। बाकी सवारी जान लग रही है, व्हीकल जान लग रहे हैं, बाकी चेकिंग जारी है। भीड़ कितनी लग रही है आपको कि मतलब पहले जो नॉर्मल भीड़ जो जा रहे थे अभी लॉकडाउन के अंदर, उससे कितनी ज़्यादा भीड़? कोई ज़्यादा भीड़ कौन जी? ज़्यादा नहीं। हाँ ज़्यादा नहीं, पहले ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा जी, थोड़ा फर्क पड़ा। हाँ पहले फर्क। ड्यूटी आवर्स आपके जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, मतलब पहले से कुछ कम किए गए होंगे ना? अभी तो रिलैक्स दिया गया होगा आप लोगों को भी। नहीं जी, हमारी तो वही रूटीन चेकिंग है जी। पहले 12 घंटे की ड्यूटी चल रही थी आपकी लॉकडाउन में? अभी 12 घंटे की चल, 12 की है जी। चेकिंग करते हैं जी, बाकी किसी को वो परेशान करते नहीं। ओके, चेकिंग चलती रहती है जी। कोई सख्ताई में कुछ तो ढील दी गई है कि पहले जो सख्ताई थी उसमें? सख्ताई तो वैसे है जी, वो जो रूल है उसके अनुसार भेजने लग रहे हैं जी, चेकिंग करके। ज़्यादा सवारी है उसके चलान करते हैं, बाकी वही है। ट्रैफिक रूल्स में काफी कितना लग रहा है आपको कि लोग अभी जो है एकदम से बाहर निकल रहे हैं तो लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं फॉलो कर रहे हैं जी। हाँ बहुत ही कम चांस है जो ज़्यादा सवारी मिले, बाकी फॉलो कर रहे हैं जी। और सर जैसे कि अभी अवैध शराब का भी जैसे कि आया था, कल के पेपर में भी आया हुआ था, और पीरावली गांव में जो है रेड वगैरह की गई थी, तो उसमें क्या सख्ताई की गई है अभी? जैसे कि वो नकली शराब बेच रहे थे इस टाइप की, उनकी कुछ आई थी? नहीं सर जी, वो तो हम तो नाका पर चेकिंग करते हैं जी, कोई शराब कोई ले रहा है तो उसको पकड़ लेते हैं। बाकी ये सदर का एरिया है जी। हाँ सदर थाने का एरिया है। तो जिस तरह कोई ट्रक वगैरह लोडिंग वगैरह का जाता है तो उसको आप चेक करते हैं? हाँ चेक करते हैं जी, सारे व्हीकल चेक करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए कि लोग एक दूसरे से दूर रहें, उस चीज़ के लिए क्या कुछ मतलब आप कर रहे हैं? मान लीजिए कोई गाड़ी ऐसी आ गई जिसमें 5-6 बंदे भरे हुए हैं या 10 बंदे भरे हुए हैं, करेंगे जी चलान करेंगे उन्हें। चलान किस टाइप से होता है? मतलब एक तो जो 188 है ना? हाँ जी 188, लॉकडाउन 188 के अंडर में करते हैं या फिर नॉर्मल ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से? नहीं जो 188 लॉकडाउन के तहत वही है, वही छूट है जी उसी तरह। हाँ जी वैसे नॉर्मली जैसे कि ओवरलोडिंग भी होती है कोई गाड़ियाँ, ओवरलोडिंग का मेरा मतलब है कि कोई जिसकी 6 कैपेसिटी है गाड़ी की उसमें 7 बैठे हैं 8 बैठे हैं, उस केस में कैसे करते हैं? वही लॉकडाउन 188 वही करते हैं। हाँ वही होता है। दोस्तों ये थे हमारे साथ सब इंस्पेक्टर विजय सिंह जी और इन्होंने बताया यहाँ पे कि कैसे जो है लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है। दूसरी जगह पे भी हम जाएंगे और वहाँ पे भी जो है पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या सिचुएशन है। और चलिए चलते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम। थैंक यू जी सर। दोस्तों अभी जिस जगह पे हम आए हैं ये गाँव है पीरावाड़ी गाँव है और ये हिसार के पास में है। ये जो गाँव है यहाँ पे शराब का इसको गढ़ माना जाता है हरियाणा के अंदर। और अभी जैसे 2 दिन पहले भी न्यूज़ के अंदर आई थी कि यहाँ पे अवैध रूप से जो नकली शराब बनाई जा रही थी उसकी वजह से पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ पे सख्ती की गई है। काफ़ी जो रेड मारी गई थी उसमें काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुई, नकली शराब बरामद हुई। और अभी जो है इस जगह पे हम आए हैं, मेरे पीछे जैसे कि मैं आपको सामने दिखाने की कोशिश करूँगा, सामने जो ये रोड है, पहले जो बिल्डिंग है यहाँ से गाँव स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर पूरा जो गाँव है इसमें घर घर के अंदर काफ़ी सारी जगह है जो शराब के इस धंधे में लिप्त लोग हैं उनको चेक किया जाता है। ये जो पीछे बाइक आ रही है जैसे कि इनको चेक कर रहे हैं और बाइक से भी सप्लाई करते हैं, इनका सप्लाई करने का अपना अपना तरीका रहता है। जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे और ये जो गांव के निवासी हैं उनको चेक किया जाता है कि कहीं कोई अभी भी कोई अवैध शराब ना सप्लाई की जा रही हो या इस तरह का कोई ना सप्लाई किया जा रहा हो। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर साहब हैं जयपाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू।
सर अभी जो शराब बरामद की गई उसके बाद में क्या कह सकती की गई आप, किस तरह से जो यहाँ से लोग जा रहे हैं उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? अरे कहाँ जान साधन को चेक कर रहे हैं जी, कोई भी यहाँ से दारू का वो नहीं जाने दे रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाइकों से सप्लाई करते हैं या किस तरह से मतलब आप उनको करते हैं? नहीं, हम यहाँ से जो अपने दूध ड्रम आते हैं उसको चेक करते हैं, पानी के ड्रम आते हैं उनको चेक करते हैं, गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जो भी साधन आता है को चेक करते हैं। सर गांव के जो एग्जिट हैं क्या सभी जगह पे लगाए गए हैं नाका सिर्फ या यहीं पर लगाए गए? गाँव से 6 रास्ते जाते हैं, एक तो ये पक्का है, 5 और कच्चे हुए सभी नाके लगाए जा रहे हैं। ओके, तो सर सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि जो कोरोना की लड़ाई है उसके अंदर पुलिस विभाग की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से बहुत जो है लोगों को कोऑपरेट किया गया और पुलिस भी जगह जगह लोगों को खाना पहुंचाया गया पुलिस विभाग की तरफ से। मैं पब्लिक का, आप लोगों का इस चीज़ को बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमसे पब्लिक वाले हमारी सहायता करे जी। सर कितना लगता है आपको कि अभी जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है तो उसके बाद में कितनी कुछ भीड़ बढ़ी है या कितने लोग कोई आवाजाही बढ़ी है? भीड़ बढ़ी है लेकिन पब्लिक है सैनी है, पब्लिक सैनी है, पब्लिक खुद अपने काम होता है, जब भी बाहर आती है वैसे बाहर नहीं आ रही। ओके, और आपके जो ड्यूटी के जो टाइम है क्या उसको कुछ बढ़ाया घटाया गया है पहले के मुकाबले, कुछ कम किया गया है? जैसे कि लॉकडाउन में बताया जा रहा था कि अभी ड्यूटी बढ़ा दी गई है 12-12 घंटे की कर दी। ड्यूटी तो जी हम 24 घंटे देने के तैयार है जी, कोई हमने कोई वो नहीं है। क्या कुछ और सख्ती की गई है आम लोगों के लिए, कुछ सख्ती मतलब नरमी दी गई है सख्ती में कुछ, जैसे कि पहले सभी व्हीकल्स का चलान वगैरह भी ज्यादा किया जा रहा था, अभी कुछ इसमें नरमी की गई? चलान तो इसीलिए किए जाते हैं जी, ये लोग आम कहते हैं अंदर वो बाहर आ रहे हैं इसलिए चलान किए जाते हैं जी। गाड़ियों में जैसे लोग जाते हैं, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कार में जाते हैं, भर भर के जाते हैं, एक कार में 5-5 जने बैठ के जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या? उनको जी आम चेतावनी देते हैं, उसके डॉक्यूमेंट देखते हैं, जायज होते उसको छोड़ देते, नहीं तो चलान करते हैं। ओके, चलान किसके अंदर किया जाता है, जो 188 के अंदर किया जाता है या फिर जो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से? ट्रैफिक रूल्स के लिए चलान किए जाते हैं। ओके, 188 का भी अलग से किया जाता है? वो 188 वो देखा जाता जी जी, कोई ऐसी बात हो जाए 188 के उसको। ओके, तो अभी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, हेलमेट वगैरह ला के जाते हैं या फिर सीट बेल्ट वगैरह लगा के जाते हैं? नए लड़के हैं ये, ट्रैफिक रूल बहुत कम वो कर रहे हैं जी, लेकिन जो पुराना है जो मेन काम जाता है अपना वो सारे अपने ट्रैफिक रूल कर रहे हैं जी। आपका एरिया कौन सा आता है सर? एरिया ये पीरा वाली खड़े हैं जी। नहीं वैसे चौक कौन से चौकी का? मैं कोर्ट सुरक्षा में हूँ जी, सार जिला कोर्ट में, सार जिला कोर्ट सुरक्षा में हूँ जी। यहाँ ड्यूटी वैसे लगा आप वे चल रही है स्थायी तौर पर, वहाँ छुट्टी वो चल रही है जी। ओके, तो दोस्तों ये है हमारे साथ सब इंस्पेक्टर जयपाल सिंह जी, और सर एक संदेश दे दीजिए जो लोग बिना मतलब के बाहर घूम रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दे दीजिए, क्या करना? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ अपने अफसरों की तरफ से कि ये जो बेकाम घूम रहे हैं इनको ये बाहर नहीं आना चाहिए, और जो काम जायज काम है उसी उस पर बाहर आना चाहिए, 14 तारीख तक ये लॉकडाउन है इसकी पालना करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जयपाल सिंह जी, सब इंस्पेक्टर हैं, और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ में, नए रिव्यू के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।